हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल इंडियन मॉम रिव्यू में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर आई हूँ वो एक बेबी प्रोडक्ट के ऊपर है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए सपल्स ब्रांड का बेबी पैंट्स डायपर का रिव्यू लेकर आई हूँ। ये जो प्रोडक्ट है ये मैंने अमेजोन से परचेस किया है। ये जो सपल्स बेबी पैंट्स डायपर है इसकी जो साइज है वो लार्ज साइज है। तो इसकी अलग अलग साइज आते हैं। अगर अपने बेबी के लिए डायपर का साइज सेलेक्ट करना है तो आप स्मॉल लार्ज एक्सेल को ना सेलेक्ट करते हुए आप बेबी के वेट को देखते हुए सेलेक्ट करें। जैसे कि स्मॉल साइज का जो बेबी वेट है वो 4-8 केजी के अंदर का स्मॉल साइज है। उसी तरह से मीडियम के लिए है 7-12 केजी के लिए है, और एक्सेल जो है वो है 12-17 केजी के लिए, और जो लार्ज साइज है वो है 9-14 केजी के बेबीज के लिए है। क्योंकि मेरा बेबी अभी 9-14 केजी के बीच में है तो इसलिए मैंने अपने बेबी के लिए लार्ज साइज इस्तेमाल करती हूँ। ये जो पैक है ये 62 पैंट्स ऑफ डायपर्स का है, यानी कि इसमें 62 डायपर्स है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी ये जो ब्रांड है सपल्स, इसके पहले मैं और भी अलग अलग ब्रांड्स का इस्तेमाल किया करती थी, बट एक टाइम आया था जब मुझे ऑनलाइन जो भी ब्रांड मैं इस्तेमाल करती थी वो सारे ऑनलाइन मिलना बंद हो चुके थे बीच में। तो फिर मैंने ये प्रोडक्ट देखा तो मुझे ये काफी पसंद आया और इसकी प्राइस भी काफी अफोर्डेबल थी। तो मैंने इसे एक बार अपने बेबी के लिए सबसे पहले छोटा पैक मंगवा के ट्राई किया तो मुझे ये काफी पसंद आया। तो इसलिए मैंने इस साइज के दो पैक मंगवाए थे जो कि 62 पीस के दो पैकेट थे। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रोडक्ट है मैं अपने बेबी पे इस्तेमाल करने के बाद मुझे ये प्रोडक्ट काफी अच्छा लगा, काफी सेटिस्फेक्शन मिला, तो इसीलिए मैं इसका रिव्यू आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो बेसिकली ये जो डायपर अप टू 12 आवर एब्जॉर्प्शन देता है, साथ ही साथ इसका जो टॉप लेयर है वो जिगजैग चैनल से बना हुआ है और इसका जो बॉटम लेयर है वो जेल मैग्नेट का है। यानी कि इसका जो बॉटम लेयर है उसमें जेल का इस्तेमाल किया गया जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो जो बच्चे की जो सुसु होती है, जो यूरिन होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाता है। इसलिए यहाँ पे ये 12 आवर एब्जॉर्प्शन लिखा गया है। बट बहुत सारे बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा यूरिन पास करते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा सुसु करते हैं, तो वो डिफर करता है आपके बच्चे कितने ज्यादा सुसु कर रहे हैं। तो बेसिकली मैं जो डायपर अपने बेबी के लिए ज्यादातर नाइट के टाइम इस्तेमाल करती हूँ जिससे कि बच्चे का नींद खराब ना हो बार बार, क्योंकि जब बच्चे सुसु करते हैं उनको गीलापन से ऑटोमेटिक उनका जो नींद है वो खुल जाता है, वो बच्चे रोने लगते हैं। तो उससे क्या होता है कि बच्चे का बहुत बार इस तरह से रात में 2-3 बार नींद खराब होता है। इसलिए मैं ज्यादातर नाइट में प्रेफर करती हूँ अपने बच्चे को डायपर इस्तेमाल करने के लिए। ये जो डायपर है ये अप टू 12 आवर का एब्जॉर्प्शन देता है, साथ ही साथ ये नॉन बॉबिन सॉफ्ट और ब्रीदेबल मटेरियल से बना हुआ है जो कि हमारे बच्चे के स्किन के लिए काफी जेंटल है, काफी सॉफ्ट में है, काफी अच्छा है। तो चलिए मैं इसे आपको सबसे पहले ओपन करके दिखाती हूँ कि इसके जो डायपर है वो कितने साइज में कितने बड़े हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये काफी अच्छा साइज है, बिल्कुल सही साइज है, और ये बेबी को इससे क्या होता है कि इसके साइज बड़ा होने के कारण बच्चे को ज्यादा वो टाइट फील नहीं होता है, बिल्कुल फिटिंग भी बहुत अच्छा आता है, और इसकी जो स्ट्रेचेबल है वो ज्यादा बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है और ना ही बहुत ज्यादा लूज है, बिल्कुल परफेक्ट इसका बना हुआ है ये। इसे पहनाने के लिए तो आपको सिंपली इसे इस तरह से ओपन करते हुए बच्चे के दोनों पैर इसमें डालना होता है। तो चलिए बात करते हैं इसके जिगजैग चैनल के बारे में। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, इसे मैं अभी उल्टा कर रही हूँ, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, इसका जो टॉप लेयर है वो जिगजैग चैनल का डिजाइन आपको दिख रहा होगा जिससे कि ये लार्ज अब्सॉर्प्शन एरिया बनाता है और ये ज्यादा से ज्यादा यूरिन को अब्सॉर्ब कर पाता है, और इसका जो सबसे नीचे वाला जो लेयर है वो जेल मैग्नेट कंसिस्ट करता है जिससे कि लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड अब्सॉर्ब कर सकता है और हमारे बेबी को बिल्कुल ड्राई फील देता है। और ये जो इसके साइड से वो ट्रिपल लॉक साइड कप्स है जो कि बहुत हद तक जो लीकेज की प्रॉब्लम है वो सॉल्व करता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस डायपर के साइड्स में जो है ये वो ट्रिपल लॉक है, मैं आपको दिखाना चाहूंगी, जिससे कि बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि जिससे कि जो लिक्विड की जो लीकेज है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। ये इसका पहला लॉकेज है, ये जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये जो यहाँ से डायपर खत्म हो रहा है यहाँ पहला लॉकेज है। दूसरा लॉकेज है ये, यहाँ पे बिल्कुल लाइट रबर का इस्तेमाल किया गया है जिससे, और ये है हमारा तीसरा लॉकेज। तो बेसिकली इसमें टोटल 3 लॉकेज है जिससे कि बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि किसी भी तरह से यूरिन का लीकेज हो। और साथ ही साथ ये जो इसका जो ब्लू डिस्पर्शन लेयर है वो बच्चे को बहुत ज्यादा ड्राई फील देता है। मैं ये आपको बोल सकती हूँ कि ये जो सपल्स का जो प्रीमियम पैंट्स है वो सुपर कोजी और सुपर ड्राई है। ये जो सपल्स का जो प्रीमियम पैंट्स है कि इजी टू वेयर है, इजी टू टेक ऑफ है, सिंपली आपको इस तरह से ओपन करते हुए बच्चे को पहनाना है, उतारने के लिए इसको दोनों तरफ से इसे टियर करना है यानी कि फाड़ कर निकालना है। और ये हमारे बच्चे के स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा जेंटल है क्योंकि इसमें नॉन बॉबिन मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है और साथ ही साथ इसमें डबल लीक गार्ड है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा रिव्यू इस सपल बेबी पैंट डायपर के ऊपर।
ऊपर। तो अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा है तो आप लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, और अगर आपको ये प्रोडक्ट परचेस करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, आप वहां से लिंक क्लिक करते हुए इस प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। और आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और साथ ही साथ बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले नए रिव्यू का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।